हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं एंकर परेश फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूँ एवीटी न्यूज के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है द एंकर परेश शो। और जैसे आप सभी को मालूम है कि हमेशा मेरे साथ सेलिब्रिटीज होते हैं, वैसे आज भी मेरे साथ सेलिब्रिटीज। जी हाँ, एंड टीवी पर आने वाला एपिसोड नहीं पूरा शो कहेंगे इसे, शो आ रहा है जिसका नाम है हाफ मैरिज और उसके स्टारकास्ट मेरे साथ आज है तरुण और प्रियंका यहाँ पर है। तो जानते हैं कैसा है इनका हाफ मैरिज। सबसे पहले नमस्कार, यहाँ पर आकर के अच्छा लग रहा है। और दूसरी चीज़ कैसा है हाफ मैरिज, तो हाफ मैरिज के बारे में बताऊँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं शो में। तो सबसे इम्पोर्टेंट शो में हम जो दिखाना चाह रहे हैं वो है एक यंग लव स्टोरी, जो हमें लगता है कि काफ़ी टाइम से लोग अभी इसे एक्सप्लोर नहीं कर रहे, तो हम इस चीज़ के साथ आ रहे हैं। बट इसमें बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है इस मैरिज के इर्द गिर्द। ये शादी एक कंसेंट के साथ नहीं हो रही है, इसमें एक पॉलिटिशियन है जो बहुत ही पावरफुल इंसान है, उस पोजीशन के इंसान पूरी मैनिपुलेट करते हैं ये शादी को, जिसकी वजह से हम दोनों इस शादी में बनते हैं। हमारे को बिल्कुल एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं है, बट हम इस शादी में इर्द गिर्द एक दूसरे के साथ रहते हैं। हम बहुत ही अलग अलग दुनिया से आते हैं, हमारी दुनिया बहुत अलग अलग रही है, तो इसलिए वो जो जब हम एक साथ आएंगे तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ जब साथ में आती है तो किस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं लाइफ में। समटाइम्स इट्स वेरी अनहेल्दी एंड समटाइम्स इट कैन टर्न आउट टू बी यू कुड नेवर एक्सपेक्ट, ऐसा भी कुछ हो सकता था। सो उस तरीके का एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो या दैट्स अगर इन अ ब्रॉडर सेंस कहना हो तो दैट्स हाफ व्हाट हाफ मैरिज। आपके क्या कहना है आपके कैरेक्टर के बारे में? तो मेरा जो कैरेक्टर है चांदनी कनौजिया का, जो आपने प्रोमोज में देखा होगा, जो साहिब जी हैं उनकी, जो कानपुर के पॉलिटिशियन हैं उनकी बेटी है चांदनी। अगेन बहुत ही रिच फैमिली से है, पॉलिटिशियन की बेटी है, हर वो चीज़ उसे मिली है जो उसने मांगी है, बड़ी फेरी टेल वाली लाइफ रही है उसकी। सो अपनी दुनिया में मस्त है, उसकी लाइफ उसके लिए एकदम परफेक्ट है, उसे लव स्टोरीज में बहुत ज़्यादा वो बिलीव करती है, बहुत ही फिल्मी है वैसे, उसे लव स्टोरीज फिल्म्स देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसका एक इमेजिनरी पिक्चर, एक लड़के का इमेजिनरी पिक्चर है जहाँ पे वो घोड़े पे आएगा, एक राजकुमार जो उसे लेकर जाएगा, शादी करेगा उससे। सो ये बेसिक उसका कैरेक्टर है। टॉकिंग अबाउट फैमिली में, उसके डैड और उसके भाई है जो उसके लिए सब कुछ है। उसके जो डैड है वो उसके लिए, मतलब यू नो, वो उसे पता है कि उसके डैड उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने डैड के लिए कुछ भी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आगे आप स्टोरी में देखेंगे कि जो हमारी जो ज़बरदस्ती की शादी होती है, ऑब्वियसली हमारी मर्जी नहीं होती, हम कहीं ना कहीं इस पहले तो हम इस शादी को बिलीव ही नहीं करते। बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि कैसे जो ये दो लोग जो नफरत करते एक दूसरे से, जो इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानते, वो कैसे अपने फैमिली के, अगेन यू नो पॉलिटिकल ड्रामा तो है बट कहीं ना कहीं जो फैमिली ड्रामा भी है इसमें, कैसे वो उस ड्रामे से इन्फ्लुएंस होके ये शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वही है फिर शादी एक्सेप्ट करके फिर ये जो अलग अलग जो दो लोग हैं कैसे आगे यू नो ये शादी को लेकर जाएंगे। सर ट्रेलर में जैसा दिखाया गया कि आपका कैरेक्टर एक पॉलिटिशियंस की बेटी का है जी, और थोड़ा सा डेरिंगबाज दिखा है जो बोलती है। तो ऐसे ही आप रियल लाइफ में भी हो या फिर या चांदनी, अगर आप प्रोमो की बात करें, चांदनी जो भी कर रही है प्रोमो में, इफ आपने अगर थर्ड प्रोमो देखा होगा, तो वो जो कह बोलती है जनताओं को कि उसे ये शादी मंजूर है, तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बोला कि इसमें पॉलिटिकल और फैमिली ड्रामा दोनों है, तो कहीं ना कहीं चांदनी में, बिकॉज चांदनी इज़ वेरी इनोसेंट, वो इनोसेंट है, मतलब कहीं ना कहीं वो इनोसेंस की वजह से वो जो ये शादी हुई है या जो भी वो इन्फ्लुएंस हुई है इस शादी को एक्सेप्ट करने के लिए, उस वजह से हुआ है। जो डेयरिंग की बात अगर आप कर रहे हैं मुझे, तो हाँ मैं बड़ी बिंदास हूँ, मतलब मैं कभी, मतलब ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैं बिना सोचे कुछ भी बोल देती हूँ, बट एटलीस्ट इतनी हिम्मत रखती हूँ कि यू नो आई कैन स्टैंड फॉर माई सेल्फ, आई कैन स्टैंड फॉर वॉट आई बिलीव। सो मेरा ओपिनियन जो भी है मैं हमेशा वो जरूर रखती हूँ। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, काफ़ी सारे यंगस्टर आजकल इस क्षेत्र में आना चाहते हैं और काफ़ी इंटरेस्टेड है काफ़ी सारे लोग, और आपने भी इसके पहले भी किया है काम और अभी भी करते आ रहे हैं, तो जो नए कलाकार आ रहे हैं इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? यार मैं तो खुद नया हूँ तो मैं इनको क्या आपको मिल चुका है सर, अभी तो स्ट्रगल में बहुत सारे सर, मैं खाली इतना कहना चाहता हूँ कि मुझे लगता है मेरी जर्नी शुरू हुई है, अब तो जाना है काफ़ी आगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट थिंक सो आई एम द राइट पर्सन टू से कि ऐसा ऐसा करो और ऐसा ऐसा होगा, बट मैं एक बात मैं जो
बहुत मेरी पर्सनल फिलॉसफी भी है जो मैं बिलीव करता हूँ. तो मुझे लगता है सबसे पहले तो एक सेल्फ बिलीफ की बहुत ज़रूरत है. तो आप एक आपके पास सेल्फ बिलीफ होना चाहिए और एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए. अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन है और अगर आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए, अगर उस चीज़ की क्लैरिटी है और उस गोल के प्रति किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ या डगमगापन नहीं है आपके दिमाग में, तो देन डेफिनेटली यू विल थोड़ी हार्डशिप्स आएंगी बट ऑफकोर्स यू कैन कॉन्कर. तो इन्होंने मुझे बता दिया और मैंने सारी चीज़ें अपने अंदर ले ली, तो मैं भी बहुत जल्द आ जाऊँगा. मैं इसीलिए पूछ रहा था ना, तो मैंने काफ़ी सारे दिग्गज कलाकारों से पूछा, बोला चलो जो रनिंग में उनसे भी पूछ लिया जाए. तो फाइनली एक सवाल, कब और कितने बजे आने वाला है आपका शो? सो ओके, सो हाफ मैरिज टेलीकास्ट होने वाला है 25th ऑफ सितंबर एंड टीवी चैनल पे मंडे टू फ्राइडे 7:30 PM. तो देखना है, तो देखिएगा ज़रूर. हमने बहुत मेहनत से काम किया, बहुत सिंसियरिटी से काम किया है और हमें लगता है कि इसमें ऐसे तरीके के इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे पॉलिटिकल अंडरटोन्स, यंग लव स्टोरी जो बहुत टाइम से मुझे लगता है टेलीविजन पे नहीं आई है. तो हमारी शायद केमिस्ट्री आप लोग को अच्छी लगे और हमने बहुत सारा रिलेशनशिप्स पर भी काम किया है, मतलब बहुत सारी तरीके की चीज़ें, उस तरीके की चीज़ें आपको देखने मिलेंगी. तो अगर आपके पास समय है तो प्लीज़ आप देखिए 7:30 PM एन टी वी पर हमारा नया शो हाफ मैरिज. मैंने इनसे बात करके एक चीज़ तो समझ में आ गई है मुझे कि आप बड़े थिएटर वाली फिल्म आपको टेलीविजन पर नजर आने वाली है. इस तरीके से ही पूरा फुल ऑन मटेरियल है, काफ़ी सारा एंटरटेनमेंट है. तो जब इतना सारा एंटरटेनमेंट है तो क्यों बैठे हो यार, टी वी चालू करो, चैनल लगाओ एन टी वी और इनका शो देखो जिसका नाम है हाफ मैरिज.